ब्रह्म मुहूर्त में केवल 2 मिनट इस मंत्र का जप करें और आपका भाग्य बदल जाएगा। देखिए, इस मंत्र के जाप से आपकी हर परेशानी का हल निकलने वाला है और हर समस्या का समाधान निकलने वाला है। अब देखिए, केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ये बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होने वाला है। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो ये क्या आपकी हर परेशानियों को, हर समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेगा, यह आपका आने वाले समय में सहयोगी बनेगा। अब इस मंत्र का जाप किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, किस और किस समय, पर्टिकुलर ब्रह्म मुहूर्त यही समय है इसका। सबसे अच्छा समय यानी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ही इसको कहा गया है, सबसे उत्तम समय इसका बताया गया। अब मंत्र कौन सा है और नियमित रूप से देखिए इसके फायदे क्या क्या हैं। फायदे मैं आपको बताते हूँ कि सब प्रथम फायदा देखे कि नियमित रूप से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होने लगेगा धीरे धीरे। अगर आप इस मंत्र के प्रति बहुत लगाव रखना आपको पड़ेगा, इस मंत्र के प्रति आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा और आपके इष्ट जो आप इष्ट मानते उस इष्ट के प्रति आपकी दृढ़ निष्ठा होनी अति आवश्यक है। अब इसके अलावा देखिए, नियमित रूप से आपको ये मंत्र जाप करना ही है और ब्रह्म मुहूर्त के समय इसका मंत्र जाप करना है और मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार से है, आप इसको बहुत अच्छे तरह से जाने। देखिए, हमारे जो वेद पुराणों में और शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में भी कई चीजों का वर्णन हुआ है, लेकिन वर्तमान स्वरूप अर्थात इस कलयुग के संक्षेप में कहा गया है कि मंत्र का जो उच्चारण होता है अर्थात जिसको आप नाम जप भी कहते हैं, उस नाम जप का जो परिणाम होता है बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही उत्तम परिणाम मिलता है जो 84 योनियों में नहीं मिलता, अर्थात 84 लाख योनियों में जो परिणाम, जो फल नहीं मिल पाता केवल और केवल इस मंत्र जाप अर्थात नाम जाप के परिणाम फल स्वरूप मिल जाता है। अब ये कैसे संभव हुआ? देखिए, इसको नियमित रूप से अगर कर ले कोई भी साधक तो मान के चलिए उसकी उसने कई पीढ़ियों को सुधार दिया, अपनी कई पीढ़ियों को सुधार दिया, ये मान के चलिए। अगर इसको नियमित अभ्यास में लाया जाए तो अब देखिए, आपके ये मंत्र वह है जो या फिर गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता अर्थात गुरु के द्वारा दिया जाता है शिष्य को, अन्यथा आपके गुरु नहीं है, गुरु बनाए हुए नहीं है और तो आपके जैसे कोई इष्ट है, आप जैसे कि श्री हरि को अपना इष्ट मानते हैं, जैसे भगवान विष्णु है, महादेव है, हनुमान जी है, राम है, कोई भी श्री कृष्ण राधा रानी कोई भी, अगर एक साधक केवल उनके नाम को अगर दृढ़ निष्ठा से पकड़ ले, बहुत ही गजब तरीके से पकड़ के रखे, आप उसके भीतर से उनका नाम ना छूट पाए, इस प्रकार से उनको पकड़ ले, तो क्या होता है नियमित रूप से और ब्रह्म मुहूर्त में इसका जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित तौर पे इसका परिणाम बहुत उत्तम मिलता है, बहुत शीघ्र मिलता है। वो क्यों? देखिए, शीघ्र इसलिए मिलता है क्योंकि अगर कोई चीज उस समय की जाए जिस समय, जैसे कि उस स्थान पे वे दिव्य शक्तियों का वास हो, उसी समय आप सटीक समय कर दे तो उसका परिणाम भी हाथों आप आपको देते हैं। जैसे कि आप कहीं गए अपने मेहमान, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अगर वे रिश्तेदार अगर उनके घर मिल जाते हैं, अभी कभी कभी क्या होता है कि वे सही समय मिल नहीं पाते, कई बार भी गए हुए रहते, अगर निश्चित रूप में वे अगर वहाँ मिल जाते हैं तो क्या होता है कि वे एक मेहमान नवाजी कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर सही समय पे, बिल्कुल सटीक समय पर मंत्रों का उच्चारण, नाम जप किया जावे तो उसका करोड़ गुना लाभ मिलता है, करोड़ गुना लाभ। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय बताया गया है कि अगर इसका नियमित रूप से मंत्र का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए अपने इष्ट का, जो भी आपका इष्ट है, तो क्या होता है कि जो इष्ट है वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आप पे उनकी दिव्य शक्तियाँ की कृपा बहुत अधिक होती है।
अर्थात ये मान के चले कि आप, फिर क्या होता है कि जितनी समस्याएं आपको हो रही है उतनी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप कोई सरकारी काम कार्य से भी जाते हैं और किसी अच्छे काम को सुलझाने जाते हैं तो काम शीघ्र ही सुलझ जाता है, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाता। कुछ कृपा होती है उस परम की जो आप पे मंत्र के अर्थात उस नाम के जाप से आप पे विशेष कृपा रखते हैं। अब मंत्र कौन सा है इस विषय में, यही मंत्र है जो आपका परम इष्ट, जिसको आपने इष्ट मान रखा है, जिसको आपने कर्ता धर्ता माना है, कि आप कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि के निर्माता यही है, जैसे श्री हरि है, कोई कहता है महादेव है, कोई कहता राम है, कोई कहता हनुमान है, इन्होंने सब कुछ किया। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेस बनाना, अपना आधार मजबूत करना है। उस परिप्रेक्ष्य में आधार अगर आपने मजबूत कर लिया है तो उस पे बनने वाली इमारतें चाहे आप कितनी भी बड़ी बना लें कुछ नहीं, अगर आधार बहुत सटीक रूप से आपको बहुत ही बलशाली बनाना पड़ेगा कि आधार ऐसा होना चाहिए कि फिर क्या होगा कि अब जैसे आपने उस पे कितनी भी मंजिलों का निर्माण कर लिया, उसको केवल समझाने के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस पर कितनी भी मंजिलों का निर्माण कर लें, अगर उसका आधार कमजोर रहा तो डगमगा जाओगे अंतिम समय में और वह पूरा धाराशाही हो जाएगा, यानी जितना आपने वो एम्पायर खड़ा करा है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने नाम जप किया है बहुत गजब तरीके से, आपकी उम्र हो गई 50-60 साल, 75 साल, 80-90 साल, वो अंतिम समय आता है मृत्यु का समय, तब क्या है कि भीतर अगर आपके भीतर लाग रह गई किस चीज़ की, लालच रह गया, कुछ मोह रह गया, अहम भाव रह गया, तब क्या होगा कि आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा मान के चलिए। इसलिए कहा गया कि नाम जब आपके भीतर से एक एक चीज का नाश कर देगा, आपके आंतरिक 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले हर विकार को वे नाश कर देता है, मोह लालच अहंकार भाव जितने भी क्रोध वगैरह जितने भी कुछ है, इस चीज का आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, नियमित रूप से अभ्यास करना है। अगर कोई साधक इस चीज का नियमित रूप से अभ्यास करे, अगर 2 मिनट भी वे बिल्कुल सचेत होके बैठे, बिल्कुल सचेत होके उसका ध्यान ना भटके अपने इष्ट के प्रति, उनका चिंतन हो बहुत ही गजब तरीके से, तो देखिए आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले समय में जो किसी भी साधक को नहीं मिलता। केवल और केवल आपका चिंतन बहुत ही गजब का होना चाहिए, उनके अलावा जिस पर आपका नाम, जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनके अलावा किसी का ही और कोई ख्याल नहीं आ रहा, केवल और केवल उनका ही चिंतन होना आवश्यक है, बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे श्री हरि का आप नाम ले रहे, श्री हरि कोई राम नाम का नाम ले रहे, तो केवल चिंतन उनका ही रहना चाहिए और भटकाव कहीं पर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल उस चीज का ध्यान बहुत ही सुदृढ़ तरीके से इस चीज को ध्यान रखे और आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सूरज उगने से 1.5 घंटा पूर्व कभी भी आप करें। इस 1.5 घंटे सूरज उगने के 1.5 घंटे का जो समय होता है ये आप कभी भी करें, इस समय बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए, और आपको बहुत ही शीघ्र इसका परिणाम जरूर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आत्मा का सफर हमारे चैनल का नाम है, और जुड़े रहिए हमसे जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।